जय हिंद, आप देख रहे हैं तुरंत न्यूज। अभी अभी मौसम को लेकर आया बड़ा अपडेट। आज बिल्कुल भी अपने घर से बाहर ना निकलें। उत्तर भारत के अधिकतर इलाकों में अब बारिश की संभावना नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहने वाला है। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक मानसून ट्रफ शाहजहांपुर, मुजफ्फरनगर, पूर्णिया, बांकुरा और फिर बंगाल की पूर्वोत्तर खाड़ी की ओर गुजर रही है। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक सितंबर के शुरुआती दिन भी शुष्क ही रहने वाले हैं। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के राज्यों में औसतन अधिकतम तापमान 36 रह सकता है। ऐसे में दिल्ली के लोगों को एक बार फिर उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज मौसम साफ रहेगा, हालांकि कुछ स्थानों पर आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इस दौरान दिल्ली का अधिकतम तापमान 36, न्यूनतम 27 होगा। बिहार में भी बारिश पर ब्रेक लगती दिखाई दे रही है। मौसम विभाग की माने तो बक्सर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, जहानाबाद और जमुई में मौसम साफ रहेगा। बिहार में अगले 4-5 दिन बिल्कुल भी बारिश नहीं होगी। उत्तराखंड में मौसम साफ रहने से नदियों का जलस्तर भी घटने लगा है। त्रिवेणी घाट में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से लगभग 2 मीटर नीचे आ गया। मौसम विभाग ने 27-29 अगस्त तक मौसम सामान्य रहने की संभावना जताई। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में हल्की से मध्यम बारिश होगी।